इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 साइंस का चैप्टर 18 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 18 का नाम है आभास। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप सीधे प्ले लिस्ट से जाकर उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। क्लास 5 साइंस बिहार बोर्ड का प्ले लिस्ट। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सुविधा का गाँव शहर के नजदीक है। कौन है सुविधा? ये जो छोटी सी लड़की देख रहे हैं इसका नाम है सुविधा और इस लड़का का नाम है संजय। तो बोला जा रहा है सुविधा का गांव शहर के नजदीक है। गांव से सैकड़ों लोग कामकाज के लिए शहर जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। शहर में क्या होता है ना, काम करने के लिए ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज होता है, ढेर सारा अवसर होता है। जैसे हॉस्पिटल में काम करना, स्कूल में काम करना, ठीक है, ढेर सारा फैक्ट्री है उसमें काम करना, ढेर सारा कार्यालय है उसमें काम करना, ठीक है, ढेर सारे भवन होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं उसमें काम करना, दाई का काम करना, खाना बनाने वाला काम करना, चौकीदार का काम करना, ढेर सारे काम होते हैं। तो शहर में क्या है, काम के लिए अवसर ढेर सारा, और गांव में स्पेशली क्या होता है, खास करके खेती में ही काम रहता है, और खेती तो हमेशा होता नहीं है, ठीक है, खेती तो हमेशा होता नहीं है। उसमें क्या होता है, सीजन वाइज खेती होता है। अगर फसल लग गए हैं तो उसमें खाली सिंचाई करना है, ठीक है, तो वो आदमी अकेले कर लेता है, तो ढेर सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ता। ढेर सारे लोगों की जरूरत कब पड़ता है, बोते वक्त और काटते वक्त। तो वही बोला जा रहा है गाँव से सैकड़ों लोग काम काज के लिए शहर जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। शहर से लौटकर इकबाल काका ने सुविधा के दादाजी को बताया कि गांव के पूरब की तरफ की जमीनों पर कॉलोनियां बनने वाली हैं। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, पूछेगा सुविधा के दादाजी को कॉलोनियों के बारे में कौन बताया, तो इकबाल काका बताएं, ठीक है, और पूछेगा कि गांव के किस दिशा में जमीन पर कॉलोनियां बनने वाले हैं, तो किस दिशा में, पूरब दिशा में। तो ये पूरब दिशा है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से घर बनाए जाएंगे, कुछ इमारतें एक मंजिला होंगी, कुछ बहुमंजिला, वहां बाजार, बच्चों के लिए पार्क आदि की सुविधाएं होंगी। तो कॉलोनी रहता है तो क्या स्पेशल बाजार बनाया जाता है, और बच्चों के लिए तो पार्क रहेगा ही। इनके अलावा कॉलोनियों के लिए सड़कों के साथ बिजली पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। तो जो बड़ा सा बिल्डिंग बनेगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्या, उसमें सब कुछ रहना चाहिए, ठीक ना, उसमें सब कुछ रहना चाहिए, बिजली भी, पानी का भी व्यवस्था रहना चाहिए, और सड़कें ना बड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब रहीश लोग रहेंगे, ठीक है, कॉलोनी में सरकारी कर्मचारी रहेंगे, सड़क तो अच्छा रहना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कार से चलेंगे। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर इनके अलावा, यानी कि बाजार और बच्चों के लिए पार्क, इसके अलावा बिजली पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। सुविधा और संजय भी इकबाल काका और दादाजी की बातें सुन उनके पास है। तो देखिए ये दोनों, इन दोनों की बातचीत को सुनकर यहाँ पर आए हैं और सुन रहे हैं बातचीत को। संजय ने पूछा, दादाजी आखिर हम घर क्यों बनाते हैं? तो इसको समझ में नहीं आता था कि घर क्यों बनाते हैं, आखिर घर में रहता है लेकिन इसको पता नहीं कि घर क्यों बनाते हैं। आप भी सोचकर बताएं कि घर क्यों बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप भी सोचकर बताएं कि घर क्यों बनाए जाते हैं। उत्तर लिखेंगे, घर बनाने से तेज धूप, बरसात और ठंड से रक्षा होती है, जंगली जानवर और चोर बदमाश से भी हम सुरक्षित रहते हैं, इसके अलावा आवास से हमें निजता का अनुभव होता है। तो देखिए जून का महीना है, मई का महीना है, तो उसमें तेज धूप होता है, तो कौन बचाता है तेज धूप से, घर बारिश से भी बचाता है, ठंड से भी बचाता है, जंगली जानवर खुले में रहेंगे, खुले में सोएंगे तो जंगली जानवर अटैक कर देंगे, और चोर बदमाश क्या हमारे सामानों को लूट लेंगे, तो इससे कौन बचाता है, घर ही तो बचाता है। उसके अलावा निजता का अनुभव होता है घर में, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप घर में खाना नहीं खा रहे, रोड पे खाना खा रहे हैं तो सबको देखेंगे तो बहुत खराब लगेगा, और घर में है कि जब सोना है सो, जब खाना है खाओ, ठीक है ना, कुछ भी करना करो, तो हमें कोई देखने वाला, कोई जज करने वाला नहीं है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि निजता का अनुभव होता है घर में रहते हैं। तो आगे देखिए, सुविधा ने बताया कि घर हमें तेज धूप, बरसात और ठंड से बचाते हैं, जंगली जानवर और चोर बदमाश से भी हम सुरक्षित रहते हैं, आवास में हमें निजता का अनुभव होता है, और हम पढ़ना लिखना, खाना सोना आदि कार्य आराम से कर पाते हैं, आराम से।
अब जरा सोचिए कि बाहर आप पढ़े लिखेगा ठीक है, तो सब कोई देखते रहेगा, कोई बहुत सारा टोन भी छोड़ेगा, इसलिए घर में क्या आराम से कुछ भी करना है तो कीजिए। तो संजय को समझ में नहीं आता कि घर क्यों बनाते हैं, लेकिन सुविधा क्या, सुविधा अच्छे से बताइए। इकबाल काका बोले, बिल्कुल ठीक बताया, पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए हम घर बनाते हैं। अलग अलग परिस्थितियाँ, कभी तेज धूप है, कभी बारिश हो गया, कभी बहुत ज्यादा ठंड हो गया। बच्चों तुम्हें पता है कि पहले तो 4-5 परिवार के लोग अपने खेतों के आसपास घर बना लेते थे और धीरे धीरे वहां गांव बस जाता था। तो इकबाल काका क्या बोलते हैं ना, देखिए मान लेते हैं कि ये खेत है ठीक है, तो इस खेत का जो आदमी है ना, तो सोचा कि घर बना लेता है, तो यहाँ पर घर बना लिया ठीक है, घर बना लिया, तो उसके बगल वाला भी घर बना लिया, फिर इसके बगल वाले घर बना लिया। इस तरह से करते करते क्या, मान लेते हैं किसी के पास जमीन नहीं था तो यहाँ से खरीद लिया ठीक है, यहाँ घर बना लिया, इस तरह से करते करते ढेर सारा घर बन गया और एक गांव बस गया ठीक है ना, गांव। आगे बोला जा रहा है, लेकिन आजकल तो जहाँ कल कारखाने, बड़े बड़े व्यवसाय, कॉलेज खुलते हैं, लोग उसी के पास जमीन खरीद कर घर बना लेते हैं। तो जमीन खरीद कर घर कहाँ बनाते हैं, जहाँ पर सुख सुविधा रहता है। मान लेते हैं कि ये शहर है, यहाँ बड़ा सा कॉलेज खुल गया ठीक है, तो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ेंगे ठीक है, तो सोचेंगे क्या यहीं पर घर मिल जाता तो बढ़िया रहता, यहाँ जो प्रोफेसर पढ़ाएंगे वो सोचेंगे कि आसे पास में घर मिल जाता ठीक है, तो नया बना है। तो इस तरफ क्या, सब जगह खेत है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर घर बनेगा, घर धीरे 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 बनने लगेगा, और स्टूडेंट दूर दूर से आके यहाँ पर पढ़ेंगे तो रहेंगे ना, तो यहाँ पर रेंट पे रहेंगे ठीक है, तो बहुत सारा सोचेगा कि और बना देते हैं, रेंट पे रहेगा आदमी ठीक है। इस तरह करते करते क्या होता है, पूरा बस जाता है आदमी। तो यहाँ बोला जा रहा है, कभी कभी सरकार भी इन क्षेत्रों में घर बनाकर लोगों को देती है, तो सरकार भी घर बना कर देती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको क्वार्टर बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर रेलवे है ठीक है, रेलवे ट्रैक क्या बिछा हुआ, तो रेलवे तो यहाँ पर काम कर रहे हैं ठीक है, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, टीटी हो गया ठीक है, स्टेशन मास्टर हो गया ठीक है, इस तरह से, और ट्रैक मेंटेनर हो गया, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा फाटक देखते होंगे आप ठीक है ना, कि इधर से सड़क गुजर रहा है ठीक है, तो यहाँ पर देखते होंगे फाटक ठीक है, ऊपर नीचे करने वाला रहता है, तो वो हो गया। तो इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर घर बना दिया जाता है ठीक है ना, क्वार्टर, रेलवे क्वार्टर ठीक है, किसी एक तरफ बना दिया जाता है या फिर दोनों तरफ बना दिया जाता है, मान लेते हैं एक तरफ बना देगा ठीक है, फिर क्या, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ना रेलवे स्टेशन पर, तो उनको क्या फ्लैट दे दिया जाता है ठीक है, फ्लैट। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से ये क्वार्टर मिल गया सबके लिए। तो इसलिए बोला जा रहा है कि सरकार भी इन क्षेत्रों में घर बनाकर लोगों को देती है, तो ये घर क्या है, क्वार्टर क्या है, सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है, तो सरकार ही बना रही है ना। तो एक एग्जाम्पल बताएं, ऐसा बहुत सारा होता है। आगे बोला जा रहा है, घर बनाने के बारे में सुखदा और इकबाल काका की बातों से आपको क्या क्या जानने को मिला, कोई 5 बातें लिखिए। अगला सवाल है, कॉलोनी क्या होती है, चलिए ये दोनों का आंसर बताते हैं आपको। पहला प्रश्न था, घर बनाने के बारे में सुखदा और इकबाल काका की बातों से आपको क्या क्या जानने को मिला, कोई 5 बातें लिखिए। 5 बातें तो लिखेंगे, 5 बातें निम्नलिखित है, निम्नलिखित मतलब क्या, नीचे लिखा गया है। पहला क्या है, घर बनाने से तेज धूप, बरसात और ठंड से रक्षा होती है, ये कौन बोलता है, ये बोलती है सुगदा। जंगली जानवरों से रक्षा होती है, ये भी सुगदा से हमें पता चला। चोर बदमाशों से सुरक्षित रहते हैं, ये भी सुगदा से पता चला। निजता का अनुभव होता है ठीक है, और पढ़ना लिखना, खाना सोना आदि कार्य आराम से कर पाते हैं, तो कोई 5 बातें ही लिखना था, तो जो बोली है ना सुगदा वो लिख दिए। देखिए आगे है, कॉलोनी क्या होती है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, कॉलोनी आवासों के समूह को कहते हैं जहाँ सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं। कॉलोनी में एक श्रेणी के आवास एक जैसे रहते हैं, सभी आवासों के लिए अलग से पानी, नाली, साफ सफाई की व्यवस्था तथा उनके लिए पार्क, सामुदायिक भवन आदि होते हैं। अब देखिए कॉलोनी किसको कहते हैं, मान लेते हैं कि चारों तरफ क्या किया ना, चारों तरफ इस तरह से बिल्डिंग बना दिए ठीक है, चारों तरफ बन गया, इधर छोड़ देते हैं, इधर रास्ता गुजरेगा ठीक है, और क्या रहेगा, पार्क रहेगा ठीक है ना, इस तरह से मान लेते हैं पार्क है, और यहाँ पे किनारे किनारे क्या सड़क है ठीक है, इस तरह भी बिल्डिंग बना देते हैं, हो गया, इस तरह भी बना सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर सड़क रहेगा, सड़क जाने भर,
तो छोड़ेंगे ही। अब जो ये बिल्डिंग बनाया हुआ है ना, सब क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम ही डिजाइन का रहेगा और सेम कलर का रहेगा, तो इसको बोलते हैं कॉलोनी। तो कॉलोनी में एक किसी खास तरह के लोग रहते हैं, मान लेते हैं कि ये डॉक्टर्स कॉलोनी है, तो सभी के है ना, सभी परिवार वाले रहेंगे तो डॉक्टर के परिवार वाले ही रहेंगे। मान लेते हैं कि ये डिफेंस कॉलोनी है, तो इसमें सिर्फ रक्षा, ठीक है ना, रक्षा से संबंधित लोग ही रहेंगे, ठीक है ना, जैसे सेना के लोग रहेंगे तो खाली सेने के लोग ही रहेंगे, ठीक है ना, और उनके परिवार वाले, तो उनके परिवार वाले को मिलता है 99 साल के लिए, इस तरह से। तो आगे समझ में क्या होता है कॉलोनी, तो कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी आवासों के समूह को कहते हैं। देख रहे थे यहाँ पर ढेर सारा बिल्डिंग बनाया हुआ था और सब के एक ही तरह का बनाया हुआ था और एक ही कलर का, एक ही कलर का इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि ये सरकारी है, ठीक है, सरकारी, और वहां पर कोई रूम ढूंढने के लिए नहीं है। कॉलोनी में एक श्रेणी के आवास एक जैसे रहते हैं, तो सब एक जैसे रहेंगे और सभी के लिए पानी का व्यवस्था रहेगा, नाली का व्यवस्था और साफ सफाई का पूरा व्यवस्था रहता है, और सब, ठीक ना, और सब के बाल बच्चे घूम सके, खेल सके, ठीक है, और खुद टहल सके, उनके लिए क्या होता है पार्क होता है और सामुदायिक भवन होते हैं, ऐसा भवन है ना जो सभी के लिए हो, ठीक ना, उस कॉलोनी में रहने वाले सभी व्यक्ति के लिए हो। यहाँ पर मीटिंग बैठेगा या फिर शादी ब्याह होगा या बर्थडे पार्टी हो गया, किट्टी पार्टी हो गई, सब कुछ यहाँ पर मनेगा। आगे बोला जा रहा है, सुगदा ने कॉलोनी के बाद जब कक्षा में अपने दोस्तों से की तो अली हसन ने बताया कि उसने भी गांव के एक छोर पर कॉलोनियां बनने की बातें अखबारों में पढ़ी हैं। ठीक है, तो अली हसन कहाँ पढ़ा, अली हसन पढ़ा अखबार में। उसने यह भी बताया कि सरकार वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय खोल रही है, कृषि विश्वविद्यालय। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पढ़ाई भी होता है और शोध भी होता है, तो कृषि विश्वविद्यालय में खेती से संबंधित पढ़ाई भी होता है और साथ ही साथ प्रयोग भी होते रहते हैं। तो अली हसन क्या बोला, यह भी बताया कि सरकार वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय खोल रही है, इसी कारण वहां यह कॉलोनी बनाई जा रही है। ठीक है, तो आए समझ में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है, ठीक है, चारों तरफ खेत ही खेत, तो ना प्रयोग करेंगे, तो कृषि विश्वविद्यालय के लिए क्या जमीन ज्यादा चाहिए, ये नहीं कि खाली बिल्डिंग बना दिए और यहाँ पर क्या क्लासरूम बना दिए पढ़ेंगे, तो प्रयोग कहाँ करेंगे, तो बहुत सारा क्या करेंगे, बीज रोपेंगे, ठीक है ना, जमीन में, ठीक है, खेत में रोपेंगे, फिर फसल उपजेगा तो उस पर प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या पेड़ को रोपेंगे, पौधों को रोपेंगे, उस पर प्रयोग करेंगे, तो जमीन क्या ज्यादा चाहिए। तो मान लेते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, और पूरा जमीन यहाँ से यहाँ तक ले लिया है, ठीक है, यहीं पर ये प्रयोग करेगा और यहाँ पर क्या क्लासरूम रहेगा, ठीक है, प्रयोगशाला रहेगा इसमें, समझ गए। तो ये रहा कृषि विश्वविद्यालय का बिल्डिंग, इसमें रहेगा प्रयोगशाला रहेगा और क्लासरूम रहेगा, ठीक है, उसके बाद ये रहा चारों तरफ क्या खेत कृषि विश्वविद्यालय का। तो यहाँ पर प्रोफेसर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, प्रोफेसर पढ़ाएंगे तो क्या सोचेंगे कि आसी पास रहें, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत सारा दूर दूर के पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि आसी पास हम लोग घर लेके रहेंगे, ठीक है, तो इसीलिए खास करके प्रोफेसर के लिए, ठीक है ना, और छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, इसलिए बोला जा रहा है ना कि इसी कारण वहाँ यह कॉलोनी बनाई जा रही है। तो कॉलोनी खासकर किसके लिए बनाया जाए, छात्रों के लिए नहीं, खास करके प्रोफेसर के लिए, ठीक ना, कॉलेज में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो पियोन ही क्यों ना हो, उसके लिए, उसमें वहां काम करने वाले लोगों के परिवार रहेंगे। गीता ने कहा, ठीक ही तो है, हमें खेलने कूदने के लिए नए दोस्त भी मिल जाएंगे, लेकिन इन्होंने अपने गांव को ही क्यों चुना, कोई बता सकते हो, इन्होंने अपने गांव को ही क्यों चुना। यह सब सुनकर शिक्षक बोले, हमारे गांव की जमीन बहुत उपजाऊ है, जिस जगह कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वह सरकारी जमीन बहुत समय से खाली पड़ी है, अतः उसका उपयोग भी हो जाएगा और वे लोग वहां कृषि संबंधित कई सारे प्रयोग भी कर पाएंगे, शायद यही कारण रहा होगा हमारे गांव को चुनने का। तो शिक्षक क्या कारण बताते हैं कि वहीं पर कॉलोनी क्यों बन रहा है, गांव के पूर्व दिशा में क्यों कॉलोनी बन रहा है, ठीक ना, आखिरकार दूसरे गांव में क्यों नहीं। तो बोलते हैं कि आप पहला कारण क्या बताते हैं कि हमारे गांव की जमीन बहुत उपजाऊ है, ठीक है, बीज रोपेंगे, जिस बीज पे प्रयोग कर रहे हैं उस बीज को रोपेंगे तो फसल, ठीक है, अच्छा हो जाएगा,
ठीक है, फिर से प्रयोग करेंगे, इस तरह से प्रयोग चलता रहेगा। तो जमीन का उपजाऊ होना बहुत जरूरी है। पहला कारण हो गया गांव की जमीन बहुत उपजाऊ है। दूसरा कारण क्या है ना, मान लेते हैं कि ये जमीन है, ठीक है, ये खाली है, तो कृषि विश्वविद्यालय का भवन बन जाएगा, एक दो गो बन जाएगा। उसके बाद क्या, ये जमीन बहुत ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। तो ये दो कारण शिक्षक बताते हैं। तब गीता ने पूछा, क्या शहर में उपजाऊ जमीन नहीं है जो हम सभी के गांव को चुने हैं? तो शिक्षक बोलते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है गीता, आजकल बहुत सारे लोग रोजी रोजगार की तलाश में अपने गांव, कस्बों, मोहल्लों से बड़े शहरों की ओर जाने लगे हैं। कस्बा बोलते हैं क्या, बड़ा गांव का, जो बड़ा गांव रहेगा उसको कस्बा बोलेंगे। शहरों में आवास की आवश्यकताएं बढ़ने लगी हैं, शहरों में जमीन महंगी हो गई है। तो शिक्षक क्या कारण बताते हैं कि ये जो कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है तो सुविधा के गांव में ही क्यों बन रहा है, ठीक है, गांव में ही मतलब क्या, गांव के पूर्व दिशा में क्यों बन रहा है, शहर में क्यों नहीं बना? तो देखिए कारण क्या बताया जा रहा है, पहला तो है कि शहर में गांव से लोग आते हैं, ठीक है, और ऑलरेडी क्या शहर के लोग हैं तो क्या होता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो घर ज़्यादा चाहिए, तो बिल्डिंगे शहर में बनती रहती है। उसके बाद फैक्ट्री भी रहेगा, सड़क भी बड़ा सा रहेगा, समझ रहे, दुकानें ढेर सारी रहेंगे, तो जगह क्या कम पड़ जाता है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए पहला तो बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, एक दो गो तीन गो जितना है। उसके बाद चारों तरफ क्या बहुत बड़ा जमीन चाहिए, बहुत बड़ा, तो इतना जगह नहीं है, तो इतना जगह है नहीं कि इतना बड़ा खेत रहेगा जहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सरकार ये जमीन को खरीदने में असमर्थ होगी, ये जमीन को खरीदने में क्या होगा, असमर्थ होगी, बहुत जमीन क्या होगा, महंगा होगा शहर में क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो आवास की आवश्यकताएँ क्या बहुत ज़्यादा है, तो जमीन बहुत महंगा मिलता है, तो सरकार इतना जमीन कैसे खरीदेगी, ठीक है, इतना में तो क्या पूरा गाँव ही खरीद लेगा, ठीक है, जितना इतना जमीन खरीदने में जितना पैसा लगेगा। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है, ठीक है, तो चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्रश्न है, कृषि विश्वविद्यालय के लिए गांव को चुनने का कोई और कारण अपने दोस्तों से चर्चा कर लिखिए। तो क्या बोला जा रहा, कोई और कारण, जो शिक्षक बताया ना दो कारण उसके अलावा, तो उत्तर लिखेंगे, कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है जो शहर में उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय में सिर्फ भवन ही नहीं बनाना रहता, स्कूल नहीं है कि खाली बिल्डिंग बना दिए हैं, ठीक है, हो गया खत्म, बिल्डिंग बना दी उसमें क्लासरूम बना दिया, हो गया खत्म, नहीं, इसके लिए पूरा क्या जमीन चाहिए, खेत चाहिए जहाँ पर फसल रोपा जाए, पेड़ रोपा जाए, तब ना प्रयोग होगा, पेड़ तो बिल्डिंग में रोपेंगे नहीं। साथ ही साथ शहर में जमीनें बहुत ही महंगी होती हैं जो कृषि विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीदने में सरकार को काफ़ी खर्चा होता है। कृषि विश्वविद्यालय के लिए गांव को चुनने का यही दो कारण हो सकते हैं, ठीक है, जमीन क्या होगा बहुत ज़्यादा महंगा होगा शहर में, तो उतना जमीन कैसे खरीदेगी सरकार, इसलिए सोचे कि चलो गांव के पास बना देते हैं, जमीन भी क्या सस्ता है और सरकार के पास ऑलरेडी जमीन है वहाँ पर, ठीक है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र में, तो उसको खरीदना भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए गाँव से लोग बड़े शहरों की ओर क्यों जाते हैं, तो रोजी रोजगार की तलाश में जाते हैं क्योंकि शहर में रोजगार के ज़्यादा अवसर होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, गांव से लोग बड़े शहरों की ओर रोजी रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो शहर में क्या होता है, रोजगार के ज़्यादा अवसर होते हैं, हॉस्पिटल में ढेर सारा काम मिलेगा, फिर स्कूल में ढेर सारा काम मिलेगा, शिक्षक पढ़ाने के रूप में, फिर दाई चाहिए, फिर एक चौकीदार चाहिए, पियोन चाहिए, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद बिल्डिंग बनते रहता है उसमें काम चाहिए, सड़क बनते रहता है उसमें काम चाहिए, ठीक है ना, उसमें काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, तो ढेर सारा काम चाहिए, ठीक है ना, ढेर सारा काम चाहिए लोगों को, गांव वाले लोगों को, तो आ जाते हैं शहर में, उनको काम मिल जाता है। साथ ही साथ लोग बड़े कॉलेज और स्कूल में पढ़ने, अस्पताल में इलाज करवाने आदि कार्यों के लिए भी जाते हैं बड़े शहरों की ओर। शहरों में जमीन महंगी क्यों हो गई है, उत्तर लिखेंगे, शहरों में जमीन महंगी हो गई है क्यों, क्योंकि जनसंख्या अधिक हो गया तो आवास की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है। तो उत्तर लिखेंगे, शहरों में जनसंख्या अधिक होने के कारण आवास की आवश्यकताएं काफ़ी बढ़ गई है, इसीलिए शहरों में जमीन महंगी हो गई है। आगे बोला जा रहा है, अली हसन ने पूछा, क्या कॉलोनियों में भी छप्पर फूस व मिट्टी के घर बनेंगे? तो अली हसन बोलता है कि हमारे गाँव में तो छप्पर फूस और मिट्टी के घर रहता है,
तो कॉलोनियों में भी यही बनेगा। तो शिक्षक ने बताया, कॉलोनियों में गांव की हवेलियों की तरह सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर आदि से बनी इमारतें होती हैं। सभी आवासों के लिए पानी, नाली, साफ सफाई की व्यवस्था अलग से होती है। कई कॉलोनियों में कम्युनिटी हॉल या सामुदायिक भवन होते हैं। इस हॉल में शादी, जन्मदिन व पार्टियां आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। तो देख रहे इसमें घर कितना है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, ठीक है। और नीचे भी घर है, तो इस तरह से बहुत सारे घर हैं, ठीक है। जब इन सभी घर में शादी ब्याह होगा, बर्थडे पार्टी होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ भी होगा, तो इनको चाहिए ना, हॉल चाहिए ना, इसलिए क्या एक सामुदायिक भवन होता है जहाँ पर ये सब मीटिंग कर सके। इसलिए इस सब के लिए क्या होता है, एक सामुदायिक भवन होता है, या एक इसको कहिए कम्युनिटी हॉल। इसमें क्या किया जाता है, इनके यहाँ कुछ भी शादी ब्याह होगा, ठीक है, उसका अरेंजमेंट हो गया, बर्थडे हो गया, ठीक है, या फिर कोई पार्टी मना रहे हैं, या फिर शादी का एनिवर्सरी है तो पार्टी मना रहे हैं, रिसेप्शन है, ठीक है, बारात आके रुकेगा, तिलक चढ़ेगा, इस तरह से कुछ भी रहेगा ना, तो जगह चाहिए ना, तो ये सामुदायिक भवन में ये सब कार्यक्रम होते हैं। और इन सभी के लिए बिल्डिंग में है ना, सभी के लिए का तो पानी का व्यवस्था होता है, नाली का व्यवस्था होता है, और साफ सफाई का पूरा व्यवस्था होता है। लेकिन गाँव में देखते होंगे कि ये घर बन गया, ठीक है, झोपड़ी का, तो यहाँ से नाला नहीं निकाल के और पानी क्या बगल वाले, क्या बगल वाले गड्ढे में गिरा दिया जाता है। कुछ पानी को उतना व्यवस्था नहीं रहता है, जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग, ठीक है, तो इसकी यहाँ का पानी को, इस बिल्डिंग से जो पानी निकलेगा, तो इधर उधर गिरा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो पूरा नाला का व्यवस्था अच्छे तरीके से करना जरूरी है। आगे बोला जा रहा है, कॉलोनी में सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं, पड़ोसी अक्सर अन्य जिले या राज्य के होते हैं, सबकी जाति धर्म अलग होते हैं, पर सामूहिक जीवन एक समान होता है, सब मिलकर होली, दिवाली, ईद आदि त्यौहार मनाते हैं। तो मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि क्या रेलवे ट्रैक के पास, ठीक है ना, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रेलवे कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी। मान लेते हैं स्टेशन मास्टर है, टीटी है, या फिर क्या ट्रैकमैन है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, रेलवे में। तो रेलवे में क्या है, सभी जाति धर्मों के लोग काम कर रहे हैं। अब ये कॉलोनी बनाया गया इन सभी के रहने के लिए, ठीक है, रेलवे के पास कॉलोनी बनाया गया रहने के लिए। अब इसमें क्या इनको फ्लैट दिया गया है, तो ये सब क्या है, विभिन्न जाति धर्मों के लोग हैं, है ना, विभिन्न जाति धर्मों के लोग हैं, लेकिन एक कॉलोनी में ये रह रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि ये एक ही जिला के होंगे, ठीक है, किसी और जिले के भी हो सकते हैं और किसी और राज्य के भी हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब बिहार का है कोई, ठीक है, उसको नौकरी लग गया क्या दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के रेलवे में, तो दिल्ली के रेलवे में लग गया, तो दिल्ली का क्वार्टर मिल गया, ठीक है, यहाँ पर पहले से ही एक मान लेते हैं कि उसके बगल में दिल्ली वाला रह रहा था, ठीक है, उसका भी नौकरी लगा दिल्ली में, और बिहार वाला भी चला गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इस प्रकार से विभिन्न राज्यों के, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के लोग एक जगह पर आकर रहते हैं, और विभिन्न जाति धर्मों के लोग भी एक जगह पर आकर रहते हैं। तो रेलवे में तो नौकरी कोई भी ले सकता है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, तो नौकरी लगेगा, तो क्या विभिन्न जिलों के, विभिन्न राज्यों के सब को एक साथ रहना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या बोला जा रहा है कि होली, दिवाली, ईद सब साथ में मिलकर मनाते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र एवं शहर के आवास में क्या भिन्नताएं हैं। तो उत्तर लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र मतलब क्या, गांव का क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र में आवास असीमित क्षेत्र में पक्की, कच्ची और फूस के बने होते हैं। असीमित क्षेत्र में देखते होंगे क्या है, मान लेते हैं ऐसे खेत है, तो कोई इधर बना लिया, कोई इधर बना लिया, ठीक है, तो कंजेस्टेड नहीं रहता, बहुत भीड़ भाड़ नहीं रहता। और कभी कभी क्या ये जमीन है, तो देखते होंगे क्या किनारे किनारे बना लेते हैं, और बीच में क्या करते हैं, पूरा आंगन छोड़ देते हैं, समझ गए ना, इस तरह से आंगन छोड़ दिया, और चारों तरफ क्या, चारों तरफ बना लिए, कोई कोई तीन तरफ बना लेते हैं, इधर बड़ा सा दीवार खड़ा कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ भी, तो सबका अलग अलग तरीका है। तो बस यहाँ पर कहने का मतलब क्या है ना, कंजेस्टेड नहीं रहता। तो ये बोला जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में आवास असीमित क्षेत्र में पक्की, कच्ची और फूस के बने होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के आवास सीमित क्षेत्र में
कॉलोनी के रूप में पक्के बने होते हैं सीमित क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं कि एक कट्ठा जमीन है, ठीक है, तो इसी पर क्या किया जाता है ना, बड़ा सा बिल्डिंग 3 तल्ला 4 तल्ला बना दिया गया, ढेर सारा फ्लैट बना दिया गया। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है कि 4 तल्ला 5 तल्ला बनाया जाए, ठीक है, एक कट्ठा जमीन है उसमें किनारे किनारे बना देते हैं और फिर क्या, फिर आंगन छोड़ देते हैं। तो आंगन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन शहर देख ही रहे, शहर के आवास में पानी नाली और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखते होंगे कि घर बन गया झोपड़ी, ठीक है, तो पानी क्या करते हैं, बगल वाले खेत में बहा देते हैं पानी, ठीक है, कहीं कहीं क्या गड्ढा रहता है उसमें बहा देते हैं, समझ गए ना। तो कोई खास व्यवस्था पानी का होता नहीं है, पानी यानी नाली का कोई होता नहीं है ताकि पानी बाहर निकल सके, गंदा पानी। आगे देखिए, पाठ को पढ़कर आपको कॉलोनियों के बारे में क्या क्या जानने को मिला, कोई 5 बातें लिखिए, सिर्फ 5 बातें लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, कॉलोनियों के बारे में 5 बातें निम्नलिखित हैं, ये जो नी दिख रहा है ना, नी आधा म और न है निम्न, ठीक है। पहला है, कॉलोनी में सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं, तो सही बात है, कॉलोनी में सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं, पड़ोसी अक्सर अन्य जिले या राज्य के होते हैं। आपको बताएं कि ये घटना कैसे हो सकता है कि कॉलोनी में के विभिन्न राज्यों के, विभिन्न जिलों के और विभिन्न जाति धर्मों के लोग एक साथ में मिलकर रहते हैं। एक एग्जांपल लेकर आपको बताया थे, रेलवे का एग्जांपल लेकर, सबकी जाति धर्म अलग होते हैं पर सामूहिक जीवन एक समान होता है। सामूहिक जीवन एक समान होता है कहने का मतलब क्या है, जो मार्केट में मिलेगा वही ना खाएंगे, ठीक है, वही कपड़ा वो पहनेंगे, तो उनका जीवन क्या है एक जैसा हो जाता है कॉलोनी में रहने वाले लोगों का, तो वही बोला जाए सामूहिक जीवन एक जैसा रहता है लेकिन जाति धर्म अलग अलग हो सकता है। कॉलोनी में पानी नाला और साफ सफाई की सुविधा होती है, कॉलोनी में पानी नाला और साफ सफाई की सुविधा होती है। 5वां है, कॉलोनी में रहने वाले सभी मिलकर होली दिवाली ईद आदि त्यौहार एक साथ मनाते हैं। देखिए अगला सवाल है, कॉलोनियां बनने से गांव वालों के जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, सोचकर लिखिए, तो सोचिए और लिखिए। देखिए उत्तर लिखेंगे, कॉलोनियां बनने से गांव वालों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहने का मतलब है कि मन पर प्रभाव पड़ेगा और सोचने समझने के नजरिए पर प्रभाव पड़ेगा। बड़े बड़े भवनों को देखकर कुछ लोग हीन भावना के शिकार हो जाएंगे, मान लेते हैं कि ये क्या है, झोपड़ी है, गांव का झोपड़ी, इस तरफ क्या बड़ा बड़ा भवन बनाया गया है, ठीक है ना, बड़ा बड़ा भवन बनाया गया है, ठीक है, कॉलोनी का। अब देखिए इस झोपड़ी से निकलने वाला एक आदमी, ठीक है, जब देखेगा इन बड़े बड़े भवनों को तो क्या हो, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएगा और सोचेगा कि ये सब इतने बड़े बड़े बिल्डिंग में कितने आराम से रहते हैं और हम सिर्फ एक छोटा सा झोपड़ी में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, हीन भावना का शिकार हो जाएगा, ठीक है। गांव में रहने वाले किसानों को रोजगार भी मिलेगा, तो ये क्या करेंगे ना, ये बड़े बड़े बिल्डिंग में जो रह रहे हैं ना, कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो किसानों से क्या है, किसानों से गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब खरीद लेंगे। दूध वाले कॉलोनी में रहने वाले लोगों को दूध दही आदि पहुँचाएंगे और गरीब महिलाएं उनके यहाँ दाई कुक आदि का काम करेंगे। कुक यानी क्या, खाना पकाने का काम जो करते हैं उसको कुक कहते हैं। तो ये सब जो गांव वाले हैं ना, ये सब जो गांव वाले हैं, ये सब क्या जाएंगे, इन सभी के यहाँ काम करने जाएंगे, तो इन सभी को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। और जो दूध बेचने वाले हैं, दूध दही बेचेंगे इनके यहाँ, घी बेचेंगे जाके, ठीक है, तो इस प्रकार से उन्हें फायदा भी होगा और कुछ कुछ लोगों को नुकसान भी होगा जो दिल के कमजोर है, ठीक है, जिनका सोचने समझने का नजरिया क्या निगेटिव है, तो इन भावना के शिकार हो जाएंगे। लेकिन जो जिन सोचने का नजरिया ठीक है, तुमको रोजगार भी मिलेगा। इस तरह से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।